The question is, among two supplementary angles, the measure of the larger angle is 44 degree more than the smaller angle. So there are two ways of understanding this line. Larger angle and smaller angle के बीच का जो difference है वो 44 degree. Obviously, if something is greater than somebody, that means उन दोनों का जो gap है वो 44 है, ठीक है ना? So what you have done is somewhat correct. Okay, somewhat correct, but not exactly correct. अगर मुझे इसको simple equation के form में करना हो, पहली बात तो question number डालो, पेज नंबर ट्राई दीज वॉट एवर, ठीक है, सारी डिटेल लिखो. नाउ उसने बोला सप्लीमेंट्री एंगल, दैट मीन्स एंगल वन प्लस एंगल टू 180 डिग्री एंड डिफरेंस जो है 44 डिग्री. सो लेट द सेकेंड एंगल बी एक्स. सो वहां पर शिफ्ट हो गया, फर्स्ट एंगल ये हो गया, वैल्यू पुट करी. सो एक्स प्लस एक्स 2x, 44 माइनस 68. So, आंसर आ जाएगा 112. ठीक है, आंसर ठीक है ये, बट देर इज वन थिंग मिसिंग, आई विल टेल यू. जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना स्टेटमेंट क्वेश्चन में, हाउ टू अप्रोच दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन, मैं सिंपल इक्वेशन के परस्पेक्टिव से पढ़ा रहा हूं. द लार्जर एंगल इज 44 मोर देन द मेजर ऑफ स्मॉलर एंगल. सो जो लार्जर एंगल है इस का मतलब होता है इक्वल्स टू 44 मोर देन. सो देन के बाद वाला पहले आता है, पता है ना ये बात? यस यस, वो पहले आता है, देन के बाद वाला पहले आता है, और टू वाला भी पहले आता है. हाँ, सो देन From, to, ये तीन वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके बाद वाला पहले आता है, ठीक है? तो उसने बोला 44 मोर देन द मेजर ऑफ स्मॉलर एंगल. तो स्मॉलर प्लस 44, तो हम यहाँ पे कंपेयर किसको कर रहे हैं? स्मॉलर को कर रहे हैं. तो हम यहां पर क्या लेंगे, लेट द स्मॉलर एंगल बी एक्स. ओके, आंसर सेम आएगा, जो आपने करा वो सेम आएगा. ओके, मेथड भी सेम ही है, बट लिखने का तरीका, अप्रोच करने का तरीका मैं थोड़ा नया तरीका सिखा रहा हूँ, बिकॉज दिस विल हेल्प यू इन स्टेटमेंट क्वेश्चंस. सो लार्जर एंगल क्या हो जाएगा अगर यहाँ पर देखा जाए, इक्वल्स टू स्मॉलर क्या है, एक्स प्लस 44. और हमें पता है कि सप्लीमेंट्री एंगल है, सो लार्जर प्लस स्मॉलर इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो ब्रैकेट में लिख देंगे सप्लीमेंट्री. इज दिस थिंग क्लियर? इसके बाद yes. सब कुछ सेम हो गया, एक्स प्लस 44 प्लस एक्स, एक्स प्लस 44 कहाँ से आया, लार्जर से, लार्जर से, स्मॉलर से एक्स, तो स्मॉलर से, ठीक है. तो एक्स प्लस एक्स 2x, 44 उधर जाएगा तो 180 माइनस 44, तो आंसर सेम ही आएगा इसका, 2x इक्वल्स टू यहाँ से 4 माइनस होगा 6, यहाँ पर 136 डिग्री, x इक्वल्स टू 136 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर क्या आ जाएगा, 68 डिग्री एक्स हो गया. तो इसका मतलब देयरफॉर एक्स क्या था, क्या लिया था हमने, स्मॉलर एंगल लिया था, स्मॉलर एंगल, स्मॉलर एंगल इज 68 डिग्री, लार्जर एंगल इज, लार्जर एंगल क्या था, एक्स प्लस 44,
68 प्लस 44 कितना हो जाएगा 112 डिग्री। ठीक है, आंसर देख रहे हो एग्जैक्टली सेम आया है, बट ये स्टार्टिंग का पॉइंट थोड़ा सा डिफरेंट है। जस्ट लुक एट इट, कॉपी कर लो इस चीज को, देन वी विल मूव इट।